इस वे जरा अवान मंडी के ये तो बाद सदार मंडी जाना मेरे नाल डीसी साहब ने डीएम साहब ने फूड सप्लाई अफसर ने सारे सैकटरी वगैरह सारे इंस्पैक्टर सारा महकमे इतने क्योंकि लोडिंग की थोड़ी जी मतलब जी लिफ्टिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आई सी तो वह प्रॉब्लम जी देखना है अच्छ ट्रक लग गए हो रही लिफ्टिंग स्टार्ट हो गई है वो करके कल मैं आड़ती भरा मिले थे तो उन्होंने दसाया कि साढ़े प्रॉब्लम है जी दाना लाने की जगह नहीं रही तो फिर मैं अच्छ सारे अफसर डी साहब न सारे रिक्वेस्ट की कि एक तरह जाके आप हल करिए सो हल हो रहा वधिया ढंग ना डी साहब ने सारे अफसर ने चैक किया मैं लगता कि अगले दो तीन दिन दिवाली तो बाद मंडी का कम जो क्लीयर हो जूगा वधिया लिफ्टिंग हो जूगा नाल कुछ लोगों ने कहा कि कट लाउंदे आ वो भी सख्ती नाल कहता कि किसी का कोई कट नहीं लगेगा पूरी पेमेंट जो पूरा प्राइस जो लगती है सरकारी वो प्राइस लगेगी उस प्राइस के तहत ही मतलब जो किसान पैसे मिल गए किसी भी किसान की फसल के उत्ते कोई कट नहीं लगते कोई जबरदस्ती कट ना कार्रवाई मैं क्या सर कार्रवाई करा जो कोई जबरदस्ती कट लाऊगा तो नहीं नहीं वो एक दो थान कहता उन्होंने कोई इदा की गल नहीं कहता ही जनरली कहता सब भी कट नहीं लाने ठीक है कि गड्डी साहब ने एक्चुअली ना मैनू जिदा मान्योग मंत्री साहब ने भी थोड़ा दसिया साड़ी जिहड़ी अजनाला दे विच मंडियां ने मोस्टली ये सरप्लस मंडियां हुंदियां इहदा मतलब है कि साडे कोल इत्थे लोकल मिलर नहीं हैगे अमृतसर जिला ही इदा है कि अपने कोल 20 मिलर हैगे कुल ते जिहड़ी साडी पैड़ी है वह आरुआं ते निर्भर करती है इहदा मतलब है कि बाहरले जिलों तो जिहड़े मिलर उन्हां नाल एग्रीमेंट साइन करदे आ वह अपना स्टॉक पूरा करन लई साड़ी मंडियां चों या तरन तारण गुरदासपुर जिहड़े सरप्लस डिस्ट्रिक्ट्स है उत्थों भी अपनी पैड़ी चक के अपना कोटा पूरा करदे हैं सो जिहड़ी अजनाला दे विच सोलली आ जिहड़ी मंडी है इट इज़ सोलली आपां कह सकते आरू एक्सक्लूसिव मंडी है आरुआ तुहानू पता हैगा कि बाकी ज़िलों के थोड़ी मतलब मानयोग सीएम सर की एफर्ट सदका उत्थे हुण प्रॉब्लम हल हो चुकी है बाकी ज़िलों के भी अपना बहुत वधिया चल रहा ज़िला तो उत्थे भी क्योंकि प्रॉब्लम्स हुण हल हो चुकी है हुण साडे कोल आरओ भी आ गए हैं बाकी ज़िलों तो जिहड़े आने सीगे सो जिहड़े आरओ आ गए अज तुसीं देख रहे हो लिफ्टिंग भी चलती पई है तो 10 दिनों के विच ये मंडी भी साडी क्लीयर हो जाएगी मैं सारे नूं दुबारा रिपीट ये करना चाहती तो रिक्वेस्ट साढ़े राही भी पहुँचा चाहते कि साडा एक हैल्पलाइन नंबर भी हैगा तो जे किसी लगता कि इदा की कोई शिकायत हैगी कि साडा रेट दे कट लग रहा तुसीं सानू डायरैक्टली संपर्क करो अफवाहां ते ना जाओ मैं असीं तां ही हरेक हीप दे उत्ते लैके गए हैं मैं किसान वीरां नूं भी रिक्वेस्ट करदी कि तुसीं सुक्की फसल लैके आओ हुण भी जिहड़ियां फसलां इत्थे पईआं सीगे थोड़ा मॉइस्चर हाई सीगा आपां जिहड़ा कंबाइन दा समां हैगा उहदे विच ही आपां कंबाइन वरतीए क्योंकि हुण मौसम भी चेंज हो रहा है सुक्की फसल तुसीं लैके आओ तुसीं सेम डे वेले होवो तुहाडे खाते च पैसे पैणगे जे कोई भी रेट कट की गल करदे तुसीं साडे नाल सीधा संपर्क करो ज्यादातर किसानां दी इही कंप्लेन हुंदी है ज्यादातर मंडी च हो भी इदां ही रहा है किवें दी कारवाई रहेगी जे कोई एक्चुअली परेशान करदे ने उहनां नूं भी कोई एक्चुअली मेरी रिक्वेस्ट तुहानू सारे नूं इह है आपां जनरल गल्लां ना करिए जिद्दां मैं इहनां नूं दस्सिया सीगा आपां स्पेसिफिक ते गल करिए कि इस आड़तीए वल्लों जां इस इंस्पैक्टर वल्लों सानूं दिक्कत आपां मैं दोबारा रिक्वेस्ट करदी हां तुहाडे राहीं दोबारा मैं क्लीयर करना चाहुंदी हां कि जेकर किसी नूं भी कोई दिक्कत है स्पेसिफिक नाल तुसीं गल करो डरो ना असी जे तुसीं एनोनिमस भी सानूं एक कंप्लेंट पाते हो असी उससे कार्रवाई जां चैकिंग करा लेंदे हुंदे जे सानूं कुछ मिलता है तो आपां एक्शन भी लै लेंदे हुंदे असी रिकवरी भी कीती है पहलां सो मैं सारिआं नूं कहांगी आपां जनरल ना करिए हरेक च हो रहा जी इदा अफवाहां ना आपां फैलाईए आपां कहीए कि इस मंडी दे विच इस अर्थ च ये चीज़ सानूं दिक्कत आई फिर असी जरूर उससे कार्रवाई करांगे ऑफकोर्स जी ऑफकोर्स